सो हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सो गाइज, इफ यू एबल टू हियर, सो गाइज आज हम बहुत एक इम्पॉर्टेंट न्यूज को लेके आए हैं। इफ यू एबल टू सी, मैं और हमारे अभिलाष सर है। सो गाइज, ये न्यूज है फॉर ऑल दोज एस्पायरेंट जो पीएचडी के लिए सपना देख रहे हैं, मतलब पीएचडी में एडमिशन के लिए एज वेल असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सपना देख रहे हैं। सो ये न्यूज उनके लिए जो एनडीए की थ्रू जारी हुआ है गाइज, एंड ये ज्यादा दिन हुआ स्टडे हमारा ये न्यूज को जारी किया है एनटीए ने। तो इस न्यूज को हम यहाँ पे आपको शो करने वाले हैं गाइज, ओके? यस सर। सो सर, सर न्यूज ये है कि कल ही यूजीसी ने, यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी किया है, पब्लिक नोटिस किया है, और नोटिस में यहाँ पे मेजर चेंजेस किए हैं। सो जो स्टूडेंट यूजीसी नेट के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं या आने वाले एग्जाम में, यानी कि दिसंबर 2024 में वो प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उनके लिए मेजर चेंजेस आए हैं सर। यस सर। सो क्या क्या चेंजेस सर, कैन यू एक्सप्लेन इन डिटेल? यस सर, ये नोटिफिकेशन कल ही आया है 27 मार्च को, और इसमें मेजर चेंजेस हुए हैं। और ये चेंजेस क्यों हुए हैं, क्योंकि यूजीसी, हालांकि न्यू तो चल रहा था सर, कि मीटिंग हो रहा है ओके। सो यूनिवर्सिटी ग्रांट का 13th ऑफ मार्च को मीटिंग हुआ था, जैसे कि नोटिफिकेशन में भी दिया है यहाँ पे क्लियरली कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बेसिस पे उन्होंने थोड़े से मॉडर्न चेंजेस किए हैं, और उन कमिटी ने कुछ सजेशन बताया है सर। ओके ओके, सो का सर इसमें मेजर चेंजेस क्या क्या हुआ, जैसे कि टॉक अबाउट दैट कि प्रीवियसली हमारा जो स्कीम था यूजीसी नेट का, मतलब एनटीए का, और अभी जो चेंजेस हुए उसमें क्या डिफरेंट है, आजकल क्या क्या मेजर चेंजेस हुए, क्या उसको आप थोड़ा बता सकते हैं? यस सर, यस सर, यस सर। हालांकि मैं तो थैंकफुल करना चाहूंगा यूजीसी कमेटी को, उन्होंने बहुत ही क्लियर ही नोटिफिकेशन में दिया है, लेकिन अभी भी कुछ डाउट बनते हैं। अगर नोटिफिकेशन कोई स्टूडेंट पढ़ता है तो कुछ माइंड में डाउट होते हैं, आज हम उसी डाउट को सॉल्व करेंगे। जैसे कि अर्लियर क्या होता था सर, आप यूजीसी नेट का फॉर्म फिलअप करते थे, और वहां पे मान लो कि आपने क्रैक कर लिया, यूजीसी क्रैक क्वालिफाई कर लिए, तो दो सर्टिफिकेट आते थे, एक की जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर। और उसी तरह से आप फॉर्म फिलअप करते भी आपको अप्लाई करना होता था कि अप्लाइड फॉर द जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर, एंड इफ यू पार योर एज, यानी कि 30 इयर्स वाज द लिमिट तो ओनली असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, जनरल कैटेगरी तो ओनली नेट के लिए होता था। यस, अगर वही चेंजेस उन्होंने एज इट इज रखे है, लेकिन वही चेंजेस को उन्होंने कैटेगरी में चेंजेस किया। यस यस, आई थिंक अब तीन कैटेगरी में इसको। यस सर, अब कैटेगरी वन एंड कैटेगरी टू कुछ चेंजेस नहीं है, जैसे थे पहले से अभी भी वैसे ही है। कैटेगरी वन में ये बोला है सर कि जो स्टूडेंट पीएचडी के लिए एनरोल करना चाहते हैं, जैसे कि अभी भी आप पीएचडी के लिए एनरोल करना चाहते हो, आपको क्या करना पड़ता था, आइदर नेट क्वालिफाई करके आप पीएचडी के लिए एलिजिबल होते थे, और अगर मान लो आपने जेआरएफ यानी कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप आपने क्वालिफाई कर लिया, तो अभी आपको 37,000 मिलता था। ये कैटेगरी वन ऐसे ही रखा है। कैटेगरी टू है जहां पे बोला गया है कि एलिजिबल फॉर एडमिशन विदाउट जेआरएफ, यानी कि आपको पीएचडी के लिए एनरोलमेंट मिलेगा, लेकिन यहां पे आपको जेआरएफ नहीं मिलेगा। ओके, जो फेलोशिप मिलता था। यस यस, पहले मिलता था। ओके, कहीं अदर यूनिवर्सिटीज उनको आपको अगर नेट क्वालिफाई होते थे तो वो यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड होता था। yes, आप ओके okay? और यहाँ पे आप क्या चेंजेस किया गया है कि कैटेगरी टू में अगर आपका स्कोर आता है, अगेन सर कि यहाँ पे स्कोरिंग भी आपका उसी के बेसिस पे कैटेगरी वाइज आपका स्कोर दिया जाएगा। अर्लियर क्या होता था कि एलिजिबल फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर ओनली और दी क्वालिफाइड फॉर द जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर ओनली, ये दो रिजल्ट आते थे। यस सर, यस। ओके, अब कैटेगरी तीन के ऊपर आते थे, अगर मान लो आपका स्कोर, अगर आप यूजीसी नेट देते हो और आपका स्कोर कैटेगरी तीन के स्कोर में आता है, ओके, तो यहाँ पे आप इलिजिबल होते हो पीएचडी एडमिशन ओनली, आप यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर या जेआरएफ के लिए अवार्ड नहीं होगा, अवार्ड नहीं होगा। ये मेजर चेंजेस किया गया है सर। बहुत ही अच्छा है सर, पूरा एकदम फुल देखा जाए तो डिक्लेरेशन के साथ फुल नोटिफिकेशन के साथ जारी किया एनटीए ने, ताकि किसी को कोई कंफ्यूजन ना हो। यस सर, अर्लियर क्या होता था सर कि बाकी सारे यूनिवर्सिटी होते थे कि अगर आपका नेट ना भी हो, बहुत सारे यूनिवर्सिटी जैसे उनका अपना कॉमन एग्जाम होता था, हम पेट बोलते हैं, पीएटी एंट्रेंस टेस्ट होता था, उसके बाद वहां पे इंटरव्यू होते थे, उसके बेस पे आपका सिलेक्शन होता था। और मेजर चेंज ये भी है कि मान लो कि एक बिजनेस एमबीए का स्टूडेंट है, तो यहाँ पे क्या होता था कि वहां पे अगर उसने नेट क्वालिफाई नहीं भी किया तो वो असिस्टेंट प्रोफेसर बनता था। यस सर, यस। अब उसको यूजीसी ने यहाँ पे क्या किया है, ये सर्कुलर जारी करके आपको अगर एडमिशन लेना है पीएचडी के लिए, नेट क्वालिफाई करना ही पड़ेगा, एकदम कंपलसरी होगा, कंपलसरी। और उसी के साथ अगर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, इसके लिए भी आपको नेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। यस यस,
यस सर, ये तीन कैटेगरी है। सो आप जब भी एग्जाम दोगे तो अब आपका रिजल्ट तीन कैटेगरी में डिवाइड होगा सर। अच्छा, मतलब पहले जो होता था कि अगर आपके पास नेट और जेआरएफ नहीं है तो बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी होते थे, स्टेट गवर्नमेंट, प्राइवेट भी, जो डायरेक्ट आपके अपने इस मतलब कॉलेज के एंट्रेंस के थ्रू आपको वहाँ पे एडमिशन हो जाते थे, क्योंकि उसका एक लिमिटेड सीट होता था कि विदाउट जेआरएफ नेट एज वेल जेआरएफ नेट का अलग होता। अभी वो स्कीम हटा दिया कि 100% आपको नेट चाहिए चाहिए आपको। अभी नेट का इम्पोर्टेंस बढ़ गया है, अभी हो सकता है कि कंपटीशन भी बढ़े, नंबर ऑफ एस्पायरेंट भी बढ़े सर जून 2000। और सर ये जो चेंजेस है ये एप्लीकेबल होने हैं जून 2024 से ही, मतलब अभी जो एग्जाम होने वाला है हमारा उसमें अभी जो दो महीने बाद एग्जाम होगा। अच्छा अच्छा, उन सबों के लिए मतलब प्रीवियसली जितना लोग कर लिए उनके लिए कोई मतलब यहाँ पे चेंजेस नहीं है। अच्छा। और एक मेजर चेंजेस आया है सर यहाँ पे, जैसे कि अभी हमने जो डिस्कस किया है उन्होंने और क्लैरिफाई करने के लिए कैटेगरी वाइज इस टेबल में दिया है। कैटेगरी वन जेआरएफ के लिए मिलेगा, अगर आप कैटेगरी वन का स्कोर अचीव करते हो, जिस तरह से जेआरएफ का आप टॉप पे 6% ऑफ द 6% आप अचीव करते थे, ओके वही कैटेगरी है अगर आप क्लोजली देखा जाए। कैटेगरी टू भी सेम ही है, आप आइदर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जाते हो या पीएचडी के लिए जाते हो, लेकिन आपको यहाँ पे स्टाइपेंड नहीं मिलता, जिस तरह से ओनली नेट क्वालिफाई करने से आपको स्टाइपेंड नहीं मिलता, यही कैटेगरी टू है। और कैटेगरी थ्री है कि अगर आपको पीएचडी के लिए जाना है तो आपको नेट देना ही पड़ेगा, ओके और आगे चल के ये तो मैंने बताया कि लेकिन ये भी सुनने में आया है कि जो हमारा जो नेट का जो स्कोर आता था तो ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट होते थे जिसमें आपको डायरेक्ट मार्क्स शो करते थे, किसी किसी में परसेंटाइज शो करते थे, लेकिन अभी के न्यूज में जैसा कि मालूम चला है कि सारे के सारे सब्जेक्ट पे क्या होगा परसेंटाइज होगा। यस सर, यस सर, ये एक और मेजर चेंजेस है आप सभी के लिए। जैसे कि सर ने बताया कि ये पहले क्या होता था कि मान लो कि आपका पेपर वन का स्कोर आउट ऑफ 150 आ गया, या पेपर टू का स्कोर आउट ऑफ 200 आ गया, तो यहाँ पे नीचे आ जाता था कि पेपर वन में कितना है, पेपर टू में ओवरऑल कितना, टेबल आता था पेपर वन में 50, पेपर टू में 100, यानी कि आउट ऑफ 300 आपको 150 मिला, और नीचे आता था कि आप क्वालिफाइड हुए या नहीं, परसेंटाइल का यहाँ पे नहीं होता। हाँ, कुछ सब्जेक्ट होते थे यूजीसी नेट में यहाँ पे परसेंटाइल आता था, जैसे कॉमर्स हो गए उसमें परसेंटाइल होते थे, इंग्लिश में भी परसेंटाइल होते थे। अभी क्या हो रहा है कि अब नया चेंजेस आया कि अब आपका जो स्कोर कार्ड होगा ना उसके परसेंटाइल लिख के आएगा। अच्छा अच्छा, हर एक सब्जेक्ट के लिए 83 सब्जेक्ट के लिए यूजीसी कंडक्ट होता है, हर एक सब्जेक्ट के लिए परसेंटाइल आएगा। अच्छा, अच्छा, नीचे आपका। और सेकंड ये है कि अगर आप पीएचडी के लिए एनरोल करते हो, ओके अगर आपका सपना है पीएचडी के लिए, तो यहाँ पे यूजीसी नेट का एक और एक चेंजेस आ गया है कि जो भी आपका नेट का स्कोर होगा ना सर वो 70% में कन्वर्ट किया जाएगा। अच्छा अच्छा, यस, मतलब हम पीएचडी के एडमिशन के लिए जाते हैं जो हमारा नेट का स्कोर है वो 70%, बाकी 30% हमारे इंटरव्यू का। यस यस यस, नेट का स्कोर होगा आपका 70% में कन्वर्ट करा दिया जाएगा, और रिमेनिंग 30% आपको वो यूनिवर्सिटी आपका इंटरव्यू लेगी। अच्छा। यानी कि आपने इंटरव्यू, एक पैनल होता है, और अगर और एक चेंजेस है सर कि जेआरएफ के लिए आपका मिनिमम यहाँ पे लिखा गया है कि जेआरएफ क्वालिफाइड स्टूडेंट आर एडमिटेड इनटू पीएचडी प्रोग्राम, उनका इंटरव्यू एज पर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का जो गाइडलाइन है, जो कि रेगुलेशन आया था 2022 में, उसी के अकॉर्डिंग होगा, तभी वो जेआरएफ के लिए क्वालिफाई होगा। ओके, और ये जो चेंजेस है सर वो 70% एंड 30% कैटेगरी में डिवाइड किया है यूनिवर्सिटी ने। 30% आपका इंटरव्यू रहेगा, इंटरव्यू में आपके में भी सब्जेक्ट स्पेसिफिक पूछा जाएगा, आपके रिसर्च पेपर पूछा जाएगा सर, या आपका जो डोमेन नॉलेज है वो चेक किया जाएगा, आपका पर्सनल एप्टीट्यूड चेक किया जाएगा, आपने कितने बुक पब्लिश किए हैं, ओके रिसर्च पेपर, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन जेन्युइन पूछे जा सकते हैं सर। यस सर, ये चेंजेस थे। और ये जो कैंडिडेट है 2 and 3 विल वैलिड। और एक है सर, एक मेजर चेंजेस है, सबसे ज्यादा ये तो इम्पोर्टेंट है। हाँ, मेजर चेंजेस यही है कि अर्लियर क्या आता था कि नेट क्वालिफाइड स्टूडेंट कर लिया तो उसके नीचे आता था कि इसका सर्टिफिकेट लाइफ टाइम वैलिडिटी है, ओके अब यहाँ पे एक इसी सर्कुलर में एक पॉइंट ऐड किया गया है कि ये जो नेट का सर्टिफिकेट है वो 1 year के लिए वैलिड है। लेकिन ये भी तो ये 1 year के लिए, मतलब वैसे जो जनरली जो 1 year के लिए होता है वो है कि इसमें जो बच्चे कैटेगरी नंबर 2 और 3 के लिए एलिजिबल है उनके लिए वो सर्टिफिकेट। यस सर, यस सर। अब क्या चेंजेस किया गया है कि मान लो अगर आपने जून 2024 का अटेम्प्ट कर लिया
तो आपको जून 2025 के भीतर यानी कि 1 ईयर के भीतर ही आपको पीएचडी के लिए एडमिशन लेना हाँ, है। वो भी अगर आप कैटेगरी यस टू और थ्री का बेनिफिट लेना चाहते यस हैं, यस जैसे कैटेगरी कि टू एंड द थ्री का थ्री का बेनिफिट बेनिफिट लेना लेना चाहते चाहते हो। हैं तो 1 ईयर के अंदर उस यस बेनिफिट को। अगर हाँ सर, ये जो सर्टिफिकेट है अगर आप पीएचडी के लिए जाना चाहते हो, पीएचडी एडमिशन ओनली, अगर मान लो कि आपने नेट क्वालिफाई कर लिया, कि इसके केस में आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए लाइफ लॉन्ग उसी सर्टिफिकेट के ऊपर डिपेंड हो सकते हो। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वो सर्टिफिकेट लाइफ लॉन्ग रहेगा सर, हाँ लेकिन लेकिन जो पीएचडी के लिए एनरोल करना चाहते हैं उनको हर साल नेट देना ही पड़ेगा। अगर हाँ वो एडमिशन नहीं लेते, अगले साल लेना चाहते, तो आपको फिर से एक बार नेट क्वालिफाई करना ही पड़ेगा सर, बहुत और ही फिर से 70% और 30% क्राइटेरिया आएगा सर। तो नेट का इंपॉर्टेंस यहाँ पे यूजीसी ने अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी बढ़ा दिया अब गया तो हमारा है। कमर्शन भी हाई हो गया। यस सर डेफिनेटली। सो आपके लिए मोर चैलेंजेस होने वाला है क्योंकि जून 2024 से ही ये एप्लीकेबल है। ओके सो सो गाइस पूरा फाड़ू तैयारी यस कीजिए यस डेफिनेटली, और क्योंकि अपने सपनों को पूरा कीजिए। यस यार डेफिनेटली अपना सपना यहाँ पे आप साकार कर सकते हो। ओके आईएफएस इज देयर, आईएफएस के हर फैकल्टी आपको यहाँ पे हेल्प करेंगे। यस ओके सर डेफिनेटली, और आपको एक ही चांस मिल रहा है आपको, क्योंकि यहाँ पे क्या होने वाला है कि नंबर ऑफ एस्पायरेंट बढ़ने वाले, क्योंकि पीएटी के लिए मैंडेटरी नेट कर दिया है, तो आपको नंबर ऑफ एस्पायरेंट बढ़ने वाले हैं, कॉम्पिटिशन होने वाला है सर। और एक न्यूज चल रही है, क्या ये निगेटिव मार्किंग होने वाला है? अभी तो इसका मतलब नॉन्टीए की तरह कोई भी इंफॉर्मेशन वैलिड इंफॉर्मेशन नहीं आया, यस सर बट मे बी चेंजेस जो भी हो, एज यू नो कि जो भी एनटीए के थ्रू चेंजेस होता है वो डायरेक्टली पूरा न्यूज को यस पब्लिश सर कर यस देते हैं, तो सर जैसा अभी कोई आता इस है हम बताएंगे यस बच्चों को। जून 2024 का नोटिफिकेशन अब जल्दी ही आने वाला है। उसी नोटिफिकेशन में ब्राउचर में हमें क्लियर आउट हो जाएगा कि यूजीसी ने और क्या क्या रखा इस है। बार हम नहीं होगा, हमको जहां लग रहा है होना भी हो तो जून के बाद ही दिसंबर में हो नहीं सकता सर, ये जून है। 2024 से ही एप्लीकेबल किया गया। मतलब यस सर अप्लीकेबल मतलब जो निगेटिव मार्किंग अभी तक तो आना चाहिए तो इसमें ऐड कर देता पॉइंट, लेकिन लग रहा है कि दिसंबर में हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, लेकिन जून में तो नहीं होना चाहिए जहां तक हमें लगता है। हाँ सर, समय तो कम है स्टूडेंट के लिए, देखते हैं। इतने मेजर चेंजेस नहीं है, सिलेबस के रिगार्डिंग अभी कोई चेंजेस नहीं आए नहीं हैं। है नहीं सिलेबस है। एज इट इज रखा है आपका पेपर वन का, एज वेल एज जो जो भी आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है अच्छा सेम सर सर। हमने इतना तो चेंजेस बता दी, अब आप हमारे बच्चों को क्या बताना चाहते हैं कि हमारा आईएफएस कैसे उन सबों को हेल्प करता है डेफिनेटली उनके सर, आप उनके जैसे प्रिपरेशन को लिए। यस सर, आपको क्या करना है सर, सिंपली अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हो यूजीसी नेट सेट एस्पायरेंट, जेआरएफ आपको बनना है, या सिंपली अभी आपको असिस्टेंट प्रोफेसर भी बनना है, तो नेट कंपलसरी है सर। ओके सो सर नंबर ऑफ यहाँ पे एस्पायरेंट इन भी बनना डिटेल है। एक्सप्लेन कर देते हैं कि आपको हमारा आईएफएस किस तरह हर आपके प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए रेडी यस, रहता है गाइस। आपको सिंपली क्या करना है कि आपको ट्यूटर्स की गाइडेंस ओके की, सर थैंक यू सर, थैंक यू फॉर ओके दैट वैल्यूबल ओके थैंक यू इन्फॉर्मेशन। सर, थैंक थैंक यू। यू सर आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे नंबर ऑफ एस्पायरेंट बढ़ने वाले हैं, कंपटीशन इंक्रीज होने वाला है, तो आपको क्या करना है, आईएफएस के साथ जुड़ना है। आईएफएस विच इज इंडिया नंबर बेस्ट बेस्ट स्टडी प्लेटफॉर्म, तो आपको सिंपली आईएफएस यहाँ पे टाइप करना है, जो भी आपका क्रोम ऐप होगा या सर्च इंजिन होगा। यहाँ पे जाने के बाद आप यूजीसी नेट कैटेगरी को सर्च कर सकते हो, तो यहाँ पे आपको इस तरह से पोर्टल ओपन हो जाएगा, और आपको यहाँ पे लॉग इन करना है बाय योर मोबाइल नंबर। ओके, जो भी आपका 9 10 डिजिट नंबर है। ओके तो नंबर ऐड करने के बाद आपको ओटीपी आ जाएगा एट द सेम टाइम। तो यहाँ पे मैं आपको ये इसलिए शो कर रहा हूं कि आईएफएस के पोर्टल पे वेल्थ ऑफ नॉलेज है, जो आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पे ओटीपी आया है, हाँ हम यहाँ पे ओटीपी ऐड कर देंगे। ओके वेट, ओटीपी वेरीफाई होने के बाद आपको क्या करना है कि यूजीसी नेट पे कॉलम पे चले जाना है। यहाँ पे कर्सर पे ध्यान दीजिए, यूजीसी नेट पे चले जाना है, और यहाँ पे मान लो कि यूजीसी नेट पेपर वन के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो पेपर वन पे चले जाना है। मान लो आपका मैनेजमेंट स्पेसिफिक है, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश, ओके एज वेल एज ज्योग्राफी, हिंदी, यहाँ पे आपका जो भी सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, यहाँ पे आप हर एक कोर्स को कर सकते हो। मान लो कि आप मैनेजमेंट के स्टूडेंट हो, तो आपको यहाँ पे मैनेजमेंट पे चले जाना है, और आपको एक रुपये भी पे नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको फ्री लर्न सेक्शन में बहुत सारा वेल्थ, यहाँ पे नॉलेज ऑफ वेल्थ दिया गया है। सो आपको क्या करना है, डैशबोर्ड के नीचे फ्री लर्न सेक्शन में चले जाना है, ऑल अबाउट यूजीसी नेट, यहाँ पे जो भी आपके माइंड में क्वेश्चंस आ रहे हैं, यहाँ पे सारे क्वेश्चन ऐड करा दिए गए हैं। ओके सिलेबस क्या होता है, कंप्लीट सिलेबस है, यहाँ पे प्रीवियस ईयर के पेपर्स आप डाउनलोड कर सकते हो, एज वेल एज फ्रॉम 2009 से लेके 2023 तक के पेपर, हर एक सेशन के पेपर आप यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो।
ओके, एज वेल एज पेपर पैटर्न क्या होता है, पेपर एनालिसिस, ओके, कट ऑफ, ये सारे एडवांटेज आपको मिलते हैं। सिंपली आपको IFS पोर्टल पे चले जाना है, एक ही पोर्टल पे आपको सारे सारे नॉलेज यहाँ पे मिलने वाले हैं। जो भी नया अपडेशन आएगा रिगार्डिंग द UGC नेट JRF, ओके, यहाँ पे हम अपडेट करेंगे। ओके, सो ये था छोटा सा अनाउंसमेंट। सो दीज आर आवर टॉपर, प्रीवियस ईयर टॉपर्स है NTA UGC नेट के, आप भी इन टॉपर में शामिल हो सकते हो विद दी IFS। ओके, आई होप ये वीडियो आपके लिए अच्छा रहा होगा, इंफॉर्मेटिव रहा होगा। जो भी चेंजेस लाए हैं अभी हमारे बैचेस, पेपर वन के बैचेस के ऊपर 30% ऑफ चल रहा है, आपको सिंपली IFS30 ये प्रोमो कोड यूज करना है। ओके, इसी के साथ आप IFS का मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, ऐप भी बिल्कुल फ्री है, कोड को स्कैन करके आप डाउनलोड कर सकते हो। ऐप बिल्कुल एंड्रॉइड एंड iOS दोनों प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। अगर आपको बैचेस या कोई भी टेक्निकल क्यूरी हो तो आप इस दिए गए नंबर पे या इस ईमेल पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, सो दोस्तों June 2024 से ये चेंजेस लागू हो रहे हैं। इन शॉर्ट में बता दूं तो यहाँ पे तीन कैटेगरीज में आपका स्कोर आएगा, Category 1, 2, 3। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जाना चाहते हो तो आपको कंपलसरी नेट देना पड़ेगा और आपका जो PhD का जो स्कोर होगा वो 1 ईयर के लिए वैलिड रहेगा। ओके, ये माइनर चेंजेस है। अब निगेटिव होगा या सिलेबस चेंज होगा इसके रिगार्डिंग UGC ने कोई डिक्लेरेशन नहीं किया है, जैसे ही आएगा वी विल अपडेट यू। ओके, थैंक फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड।